हाय गाइस, मेरा नाम है रीना और आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ मेरा दिवाली सेलिब्रेशन जो कि हमने किया था हमारे नए घर में। सो बेसिकली यहाँ पे हम लोग दिवाली की तैयारियाँ कर रहे हैं, बट मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आज जो है आज दिवाली नहीं है। जिस दिन हम ये सेलिब्रेशन यहाँ पे कर रहे हैं ये धनतेरस का दिन है और धनतेरस को ही हमने अपने घर में जो है अच्छे से दिवाली का सेलिब्रेशन किया था। जिस तरीके से हम पूजा करते हैं लक्ष्मी गणेशा की दीपावली के दिन, वैसे ही हमने धनतेरस के दिन ये वाली पूजा की थी अपने घर में। क्योंकि मुझे लास्ट टाइम जो थी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, मैं आपको अपने घर का एक व्यू दूँ, पूरा घर दिखाऊँ आपको, तो आगे मैं इस वीडियो में आपके साथ में वो भी शेयर करूँगी। प्लस हमारी सोसाइटी में आज एक दिवाली सेलिब्रेशन भी है तो मैं आपको वो भी दिखाऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे आप एंटर करते हैं तो सामने एक हॉल आता है और हॉल के साथ में अटैच ओपन किचन है। सो बेसिकली ये मेन एंट्रेंस है। एंट्रेंस में आपको लेफ्ट साइड में दिख जाएगा यहाँ एक सोफ़ा रखा हुआ है और ये जो सोफ़ा है ये भी मतलब नॉर्मल नहीं है, ये एक सोफ़ा कम बेड है। क्योंकि अभी हम लोग नए घर में शिफ्ट हुए हैं तो इतना ज़्यादा हम लोग कुछ अरेंज नहीं कर पाए फर्नीचर वगैरह, तो अभी जो है मैंने बिल्कुल सिंपल सी एक डेकोरेशन की हुई है अपने घर के अंदर। इधर जो है ये गणपति हैं, इसको मेरे हस्बैंड ने बनाया था। देन यहाँ पे मंदिर रखा हुआ है, हमने रखा हुआ क्या है, ये एक्चुअली में फिट है मंदिर पूरा वॉल के अंदर। इसको भी नया हमने अभी डिज़ाइन किया है यहाँ पे। और अगर मैं किचन की साइड से अब आपको हॉल का एक व्यू देती हूँ तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है। इधर ये टीवी यूनिट है हमारी, ये इसकी स्पेशल चीज़ ये है कि ये टीवी यूनिट कम शू रैक हमने बनवाया, क्योंकि शू रैक को प्लेस करने के लिए कोई स्पेशल स्पेस मुझे मिला नहीं घर के अंदर, तो मुझे लगा कि कुछ ऐसा मल्टी फंक्शनल ऐसी कोई फर्नीचर हो जिसमें आप सारी चीज़ें मैनेज करो, तो घर में हमने अभी तक इसी तरीके से सारी चीज़ों को अरेंज किया है। देन इधर से हमारा किचन का व्यू है जो कि हमने एल शेप में इसको डिज़ाइन करवाया है, क्योंकि ये पहले जो थी ये स्ट्रेट किचन थी और अब जो है ये एल किचन है, एल शेप्ड में किचन है। और क्योंकि मेरा गला बैठा हुआ है तो प्लीज़ डोंट माइंड, क्योंकि मैं यहाँ पे वॉइस ओवर कर रही हूँ और बहुत ज़्यादा दिवाली पे मिठाइयाँ खाने की वजह से मेरा गला जो है ख़राब हो चुका है। तो ये टीवी यूनिट है एक्चुअली में, और इस तरीके से हमने इसमें लाइटिंग वगैरह का सारा अच्छे से दिया हुआ है ताकि जब आप सारे बल्ब वगैरह बंद करें और नाइट में अगर आप इसको जलाते हैं तो बहुत एक अच्छा व्यू आता है। नेक्स्ट ये है पेंट्री जिसमें मैंने माइक्रोवेव रखा है और अपनी पूरी पेंट्री में जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं उसको अरेंज किया है। अब मैं आपको लेके चलती हूँ दूसरे रूम में। तो ये वॉशरूम है, इधर से जैसे आप एंटर करते हैं। नेक्स्ट ये हमारा दूसरा रूम है जिसको अभी हम डिज़ाइन नहीं कर पाए हैं। हियर आई एम इन द मिरर, हाय। सो ये एक पुरानी अलमीरा है हमारी इस कमरे में, और इधर एक कॉर्नर में जो है कंप्यूटर रखा हुआ है। और अभी जो है ये रूम डिज़ाइन नहीं हुआ है, और ये हमारा पुराना मंदिर रखा हुआ है, इसको हम लेके जाएंगे अपने इन-लॉज के पास। तो अभी जो है अभी इसीलिए यहाँ पे रखा हुआ है क्योंकि कल तो हम चले ही जाएंगे। तो ये यहाँ पे इसके साथ में रूम के साथ में अटैच टॉयलेट एंड बाथरूम है जो कि सेपरेट है अलग से इस रूम के साथ में। तो हमने डिसाइड किया था कि हम ये वाला जो रूम है ये बच्चों के लिए रखेंगे, और इधर इनके कुछ टॉयज़ वगैरह पड़े हैं, मैंने कुछ लगेज निकाल के रखा हुआ है बाहर, तो वो रखा हुआ है जो हमें कल लेके जाना है। तो इसको हम बाद में डिज़ाइन करेंगे क्योंकि दिवाली आ गई थी तो ज़्यादा हौच पौच नहीं चाहिए था घर में। अब मैं आपको अपना एक फटाफट से क्विक व्यू देती हूँ अपने बेडरूम का। तो ये नाइट व्यू है रात के टाइम का, और अब मैं आपको लाइट जला के यानी कि ओपन करके एक बार शो करती हूँ सारी चीज़ें। तो ये बैक साइड में आपको दिख जाएगा, बेड के पीछे जो है वॉलपेपर है, इधर बहुत बड़ी विंडो है रूम में। और जैसे आप यहाँ से आगे जाते हैं तो इस साइड में हमारी बालकनी है। तो जितने दिए थे सब कुछ मैं लगा चुकी हूँ यहाँ पे, और इसके बाद जो है मैं अब आपको लेके चलती हूँ अपनी सोसाइटी के फंक्शन में जहाँ पे हमने दीपावली का सेलिब्रेशन किया था, और बहुत अच्छे से बहुत धूमधाम से हुआ है वो सेलिब्रेशन भी। तो मैं यहाँ पे ये चीज़ भी बोलना चाहती हूँ, हैप्पी दीपावली टू ऑल। मे बी मैं वीडियो जो है थोड़ा लेट अपडेट करूँगी। तो चलिए अब चलते हैं, आपको एक बार मैं फंक्शंस की थोड़ी सी झलक दिखा देती हूँ जो हमारी सोसाइटी में हुई है। सो बेसिकली यहाँ पे डांडिया और जो कपल डांस था वो हुआ है, और अच्छे से सबने यू नो मतलब प्रॉपरली
पहले जो था अच्छे से एक कॉम्पिटिशन हुआ, एंड देन उसके बाद क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा लेट पहुँची हूँ, अपने घर की पूरी पूजा वूजा एंड ऑल करके हम लोग गए हैं, तो हम लोग यहाँ पे 9:30 के अराउंड में पहुँचे थे, और ये जो फंक्शन था ये 7:30 पे स्टार्ट हुआ था। तो ये फंक्शन की थोड़ी बहुत झलक मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे बहुत अच्छे से सब ने इंजॉय किया, हमने भी इंजॉय किया यहाँ पे। और ये जो है अभी यहाँ पे मतलब ग्रुप में डांस हो रहा है, बट इससे पहले जो था स्पेशली अलग से कपल डांस हुआ था, और इससे पहले डांडिया हुआ था। सो आई होप कि जो लोग बोल रहे थे मैं अपना एक घर का थोड़ा सा एक छोटा सा व्यू दूँ, अपनी सोसाइटी आपको दिखाऊँ, तो होप कि आप लोगों को पसंद आया हो। और ये एक ऐसी चीज़ होती है, एक ऐसा मतलब जो हर किसी के ना अपना एक घर होता है, वो बहुत ज़्यादा क्लोज होता है, सबके दिल के बहुत ज़्यादा करीब होता है। तो एक ऐसे ही हमने भी ये चीज़ सोच के कंसीडर करके अपने माइंड में इस घर को बाय किया था। तो आई होप आपको मेरा घर जो है ये अच्छा लगा होगा। लगे तो मेरी वीडियो को जो है लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और आगे भी मैं ब्लॉग्स आपके साथ में शेयर करती रहूँगी। और मुझे कमेंट करके आपकी जो भी आप मुझसे पूछना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं, और अगर अच्छा लगे और नहीं भी लगे तो वीडियो को लाइक और डिसलाइक तो दे दीजिएगा यार। तो चलिए मैं फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।